पासोरिया जी हमारे बीच में बैठे हैं, एक बार मासी जी के नाम से जोरदार तालियां बजाएंगे सभी, सभी का धन्यवाद करते हैं। और रही सतना गाने बजाने की बात, कि गाना बजाना बहुत दूर की बात है, हम तो गाने वालों के तरणों के धूल के समान भी नहीं है, लेकिन जैसा भी एक दो बात आपके सत्संग से सीखी है उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे, कोई गलती हो जाए अपना भाई बच्चा माफ कर देना। गौ माता नु रो के बोली के जिंदगी से मारी और आख्या के मां पानी आ जाए जे सुनो हकीकत सारी। साहू जी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। सुनो नु कह दिया करा के लावारिस बेवारिस जिसका कोई नहीं होता वो कौन है। गौ माता, गौ माता की दशा बताई कवि ने एक भजन के द्वारा, कैसे एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री गौ माता की, कैसे क्या बताया। एक बात समझ में आई,
की आज पराई वालों को चढ़गी गोवा की कढ़ाई। देखियो चाहे कोई गाड़िया हो, चाहे कोई बदनी हो, चाहे कोई उपदेशक हो, चाहे कोई नेता हो, स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देगा ये भाई कृष्ण भगवान गौ रख्या ग्रंथ है। आज दुनिया उसने भगवान करके पूजा है। प्रचार प्रचार तो ईसाई सा और जे किसी के खेता में गौ बढ़ जावे लाठी तो कम तक में गौ का मान खाते कोई भागा वाला जेल के दसी भी मारे है। किस तरह से पहले नंबर पे क्या दशा बताई क्या बताया संगल भी थे, संगल भी
200 रुपए से भी माता के वचन पे मान सम्मान करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं। ताऊ जी गामड़ी गांव से आजाद सिंह बहुत मान सम्मान पहले 100 रुपए से और मान सम्मान किया धन्यवाद। करमवीर भाई साहब गौ माता के वचन बस 50 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद। नु देखियो गौ की सेवा आज के दिन कौन कौन हुआ है किस तरह से चौथे नंबर पे कवि ने क्या दर्शाया क्या बताया Yeah.